ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अभी इस सेगमेंट में हमें नए मेहमान जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्स एंकर हैं, पब्लिक न्यूज पर अपना स्पोर्ट्स शो भी करते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और इनको दूसरे चैनल वाले भी अब बुलाने लग गए हैं। मतलब इतने जबरदस्त ये स्पोर्ट्स पे अपने तजिये पेश करते हैं। इरफान जहीर हमारे साथ मौजूद है। इरफान, ईद मुबारक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग सुनाएं, ठीक ठाक है? लगा है आप इस्लामाबाद का टूर, कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रहा। और ईद अच्छा, कैसी गुजरी? शेख अख्तर के साथ काम करना तो आपको पता है, इट्स रियली ब्लेसिंग। और जिस तरह की वो बात करते हैं, दबंग किस्म का उनका स्टाइल है। हाँ। बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा। तो ईद वाला दिन कैसा जा रहा है आपका? ईद का दिन आया बड़ा एक यूनिक सा ही होती है हमारी ईद, पाकिस्तानी ट्रेडिशनल समहाउ कह सकते हैं कि आप। हाँ। इस ईद पे थोड़ा सा जल्दी ईद की नमाज अदा की जाती है, ईद उल फितर पे थोड़ा लेट होती है। नमाज अदा की आपने? क्यों, कोविड की वजह से बहुत से लोग ऐसे थे, उन्होंने नमाज ही नहीं अदा की। नहीं, मैं नमाज मिस नहीं करता। ग्रेट। हाँ, नमाज मिस नहीं मैं करता। नमाज पढ़ के फिर उसके बाद कुर्बानी का सारा सिलसिला कर और फिर दूसरी एक्टिविटी मिलना। हाँ। मिलाना। अच्छा, कुर्बानी जो आपके घर पर होती है उसके में खुद कभी पार्टिसिपेट किया? नहीं, इतने अभी वैसे फास्ट, इतना बड़ा दिल नहीं है आपका, इतने भी शुएब नहीं तो नहीं है। नहीं, वैसे मैंने बहुत अपने सराउंडिंग्स में, अपनी फैमिली में बहुत से लड़कों को देखा है, यंग लड़कों को, वो बड़ा शौक से बकरे जो हैं वो खुद ज़बह करते हैं, कि छुरी एटलीस्ट हम खुद फेरे। मेरे ख्याल में ये बड़े दिल गुर्दे का काम है। अभी ऐसा जितनी कभी हिम्मत की, सही टाइम पे मिल गया। अब वो मिल जाते हैं, अगर पहले बात की हो टाइमली तो फिर हो जाता है। सर, इसका ऑब्जेक्टिव भी देखना नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि इस ईद का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो कुर्बानी का सर ऑब्जेक्टिव है, हम लोग, कुछ लोग अल्लाह माफ़ करे, उस दूसरे फील्स करने की तक चक्कर में पड़ जाते हैं कि हफ्ता निकल जाएगा, मंथ निकल जाएंगे। तो इसको हमारा जो ऑब्जेक्टिव इस्लाम ने दिया है उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए कि हम इसको गरीबों में बांटें, डिस्ट्रीब्यूशन करें, मिलजुल के इस्तेमाल करें। तो वो मेरा ख्याल है इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए हमें। अच्छा इरफान, कुर्बानी का जानवर खुद पसंद करते हैं? जी, खुद जाकर लाते हैं। हाँ, खुद जाकर। कौन सा जानवर लाते हैं? कोशिश होती है एक दो दिन पहले लिया जाए, क्योंकि पहचान है ऐसा, जिसको इतनी पहचान तो नहीं है। क्रिकेट ज्यादा आती हो या फुटबॉल ज्यादा आता हो? क्रिकेट वाला ज्यादा सही है। वैसे रऊ साहब, आप वहाँ जाके पता क्या करता होगा? ये टांगे देख के कहता होगा विकेटें टेढ़ी हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट है ना भाई, मतलब उसमें भी हमारा ये है कि इसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है कि हर दफा उसका नाम रखा जाता है। पिछली दफा मुझे याद है शेरू रखा, इस दफा था अब्दुल गिली रखना है। बच्चों ने कहा फैमिली में कि अर्तुगुल के घोड़े का नाम अब्दुल गिली था, तो इसका नाम अब्दुल गिली रखा जाना। तो वो एक बड़ी हर दफा डर होता है कि इसका एक नाम रखना है, दो चार दिन उसको उस नाम से बुलाया जाता है। आपके साथ बचपन में ऐसे हुआ जिस तरह से फिजा ने भी ये वाकया शेयर किया? नॉर्मली बच्चे इतने मानूस हो जाते हैं जानवरों के साथ, जब जानवर जिबा होने लगते हैं तो वो रोने लग जाते हैं, और उनका ये होता है। मतलब आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? मेरे ख्याल हर बच्चे की कोई ना कोई मेमोरी ऐसी होती होगी कि वो रो पड़ता होगा। मेरे साथ एग्जैक्टली खुद तो नहीं हुआ, बट मेरी कजन है, उनके साथ ऐसा हुआ कि उन्होंने मुर्गी को ज़िबा होते हुए देखा। और उन्होंने, अब मेरा ख्याल है वो मैरिड है, यूके में होती है, अभी तक उन्होंने चिकन नहीं खाया। उनके साथ भी ऐसे हुआ था, मुर्गी को ज़िबा होते हुए देख लिया, उसके बाद वैसे मेरे ख्याल में उन्होंने कहा मैंने नहीं खाना। आपके साथ कभी कोई ऐसा वाकया हुआ? बकरा तो नहीं मोस्टली भागता, गाय वगैरह भागती? वो काफी सीन इस तरह के देखे हैं मुख्तलिफ चीजों के। इसमें एक इंटरेस्टिंग वाकया इस तरह का था कि दो साल पहले एक डिस्कशन होगी, मिकी आर्थर और ग्रांट फ्लावर के साथ मैं बैठा था। रोग साहब, एक दिन पहले ईद से मैंने कहा जी मैं ईद की हॉलीडेज पे जा रहा हूँ। मेरा मोस्टली उनके साथ शाम की चाय हम इकट्ठे पीते थे। उन्होंने कहा जी आपका ईद फेस्टिवल आ रहा है, दैट इज़ वेरी ब्रूटल एंड क्रूअल फेस्टिवल। अच्छा, वो क्रिश्चियन है दोनों, उनको शायद हमारी इस चीज़ का पता नहीं था। मैंने किस तरह जी, आप कहते जी आप लोग तो लाखों करोड़ों की तादाद में मुसलमान इसमें आप ज़बह करेंगे, स्लॉटर करेंगे, दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रूअल थिंग। मैंने कहा आपको थोड़ा सा आइडिया है, डू यू नो कि हाउ मच मैकडोनल्ड और KFC अर्न ऑन डेली बेसिस? कुछ उनका आपको इकोनॉमी के लिहाज से आइडिया है? Wow, what और, an answer. और मैं क्या आपको पता है कि वो कितनी कितनी काओ बकरे व्हाटएवर दे स्लॉटर ऑन द डेली बेसिस? तो दे वर ब्लैंक। मैं उसको बिजनेस की बात करें, मैं क्या आपको पता है कि मुसलमान बिजनेस नहीं करते, इसको सेक्रीफाइस करके गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो They were shocked about this thing कि उनको मालूम ही नहीं था कि हमारे मुसलमानों के अंदर इस तरह इसार कुर्बानी ये। लेकिन मैं हैरान हुई हूँ, आपने उनको जवाब बड़ा अच्छा दिया, बहुत खूबसूरत जवाब। इरफान का तो मुझे आज वही शरारतन याद आ रहा है कि इरफान की गाय अगर भागेगी तो थोड़ी देर बाद रन लेके वापस आ जाएगी। और इरफान जरूर उसको रन आउट करेंगे। चले
ये एक पहले आपने निकाल लिया, नहीं ऊपर था, ये ले आप कह खत्म हो गए, महक ने जीत जाना था लेकिन वो एक्चुअली मुझे पता नहीं था उसमें थे वो नीचे रह गए। इट्स ओके, चले खैर, बड़ा इंटरेस्टिंग था ये गेम रहा, दोनों को ही विनर कह देते हैं, दोनों खुश हो जाएंगे इतना मौका। ये चौधरी इरफान जहीर जो हैं, इन्होंने सलीम मलिक वाला रोल प्ले किया, इन्होंने बेईमानी की थोड़ी सी, है ना। मैंने भी देखा इरफान आपने काफी बेईमानी की, महक जीती है जबरदस्ती है मैं करना है तो मैं सारे कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं करना चाहिए, कैमरे के हाथ पे आप ऐसा करें रिव्यू लेता हूँ मैं। असल में ना रिव्यू करके आप कल में मैसेज सही कन्वे नहीं हुआ था तो ये कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, हम ये कर लेते हैं, हम ये रिव्यू लेके थर्ड कर लेंगे, हम ये करते हैं ताकि दोबारा से रिवाइंड करके दिखाएं। जितने लोग बैठे हैं ना, मतलब मैं इसके बारे में इरफान की तारीफ करूं, इरफान बहुत कॉन्शियस है अपने कपड़ों के मामले में, हमेशा जब भी शो में आते हैं ना, ये नए से नए इनके फैशन होते हैं, नए से नए कपड़े होते हैं, तो मेरे ख्याल में इसे जरूर पूछा जाना चाहिए इनकी शॉपिंग कौन करता है। मेरे ख्याल में खुद ही करते होंगे। हाँ, मैं खुद ही करता हूँ जी, अपनी सारी चीजें खुद ही लेता हूं। और शौक भी है ना। हाँ, शौक कपड़ों का, घड़ी का, ग्लासेस का, दो तीन चीजों का काफी शौक है, परफ्यूम्स का। अच्छा, ईद की शॉपिंग पहले से करके रखते हैं या आपको भी? इस दफा पहली दफा हुआ मैं ईद की शॉपिंग नहीं कर सका, और स्टिच भी नहीं करवा सका, इस्लामाबाद बिजी था। हाँ। और वो असाइनमेंट जो थी क्रिकेट की रिगार्डिंग, तो मैं टेलर के वापस आके इतना टाइम नहीं था एक दो दिन के अंदर कि मैं दूं, और पूछा भी मैंने एक दो टेलर से, सबने कहा जी अभी तो कोई सीन ही नहीं है कि हम आपसे टाइम लेके। और हम आपको नहीं, आई होप कि ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही हमारी ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, एक बार फिर से आपको ईद मुबारक कहना चाहेंगे और अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा कर दें। निर्वान, थैंक यू सो मच, और फिज़ आपका भी बहुत शुक्रिया, इरफान आपका बहुत शुक्रिया, और महक आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही नाज़रीन, आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, ईद को अच्छे तरीके से इन्जॉय कीजिएगा, हमें दीजिए इजाज़त।